देख रहे हैं। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस ने किसानों के किए झूठे वादे। पशुपालकों और किसानों के लिए लोन लेना था असंभव। पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को दी जा रही है सुविधा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एक नया मध्य प्रदेश गढ़ने का किया है प्रयत्न। कहा, कांग्रेस राज में सिंचाई की व्यवस्था सिर्फ 7 लाख हेक्टेयर में होती थी, अब 47 लाख हेक्टेयर में हो रही है सिंचाई। पहले सिर्फ 100 लाख मीट्रिक टन होता था फसल उत्पादन, अब हो रहा है 700 लाख मीट्रिक टन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, किसान सरकार के एजेंडे के बनेंगे हिस्से। किसानों को मिल रही है किसान सम्मान निधि और फसलों को सही मूल्य। पंजाब में मानसून के दौरान बाढ़ के कारण किसानों को हुआ है नुकसान। राज्य में तेज बारिश और बाढ़ से 2,40,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र प्रभावित। इस क्षेत्र में किसानों ने पहले ही धान की कर दी थी रुपाई। उधर मध्य प्रदेश के मंदसौर सोयाबीन उत्पादक किसानों को फसल बिगड़ने के बाद कटवाना भी पड़ रहा है महंगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की एक दिवसीय यात्रा पर भोपाल में आयोजित भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए इनके नेताओं के लिए गरीब का जीवन मायने नहीं रखता है। कांग्रेस के लिए गरीब किसान का खेत फोटो सेशन का मैदान है। इन्होंने अतीत में यही काम किया है और आज भी यही कर रहे हैं। देश विदेश में कांग्रेस ने गरीबों का मखौल उड़ाया है। हमने कठिन रास्ता पार किया है। ये महिलाओं की भागीदारी के विस्तार की शुरुआत है, एक सार्थक बदलाव का शुभारंभ है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस आज भी उसी पुराने ढर्रे, उसी पुरानी मानसिकता पर चल रही है। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए इनके नेताओं के लिए गरीब का जीवन मायने नहीं रखता है। कांग्रेस नेताओं के लिए गरीब का जीवन एक एडवेंचर टूरिज्म है। कांग्रेस के नेताओं के लिए गरीब की बस्ती पिकनिक मनाने का, वीडियो शूटिंग कराने का लोकेशन बन गई है। कांग्रेस के लिए गरीब किसान का खेत फोटो सेशन का मैदान बन गया है। इन्होंने अतीत में भी यही काम किया। देश विदेश के अपने दोस्तों में इन्होंने भारत की गरीबी का मखौल उड़ाया और आज भी यही कर रहे हैं। जबकि भाजपा की सरकार भारत को भव्य भी बना रही है और यही भव्य तस्वीर दुनिया के सामने सीना तान करके दिखा भी रहे हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों से झूठे वादे किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में पशुपालकों और किसानों के लिए लोन लेना असंभव था। हमारी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को सुविधा दी। कांग्रेस की सरकारें वोट पाने के लिए किसानों को लोन माफी की झूठी गारंटी देती रही है, लेकिन छोटे किसानों पशुपालकों के लिए तो बैंक से लोन लेना असंभव था। वे तो छोटी छोटी जरूरतों के लिए बाजार से महंगे ब्याज पर पैसे लेते थे। इसलिए
आपके इस सेवक ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत छोटे किसानों की भी गारंटी ली। जब पीएम किसान योजना हमने शुरू की थी तब कांग्रेस ने इसको लेकर कितना झूठ फैलाया था। कहा जाता था कि चुनाव होने के बाद मोदी ये पैसे वापस ले लेगा, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि 5 साल से निरंतर चल रही है। कोरोना काल में जब सब कुछ रुक गया था तब भी ये नहीं रुकी, क्योंकि हमारी सरकार ने डायरेक्ट आपके खाते में पैसा भेजने का प्रावधान किया। अभी तक 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक देश भर के किसानों के मिल चुका है। इसमें मध्य प्रदेश के हर किसान के बैंक खाते में करीब करीब 30,000 रुपये, हर एक किसान के खाते में 30,000 रुपये तक पहुंचे हैं। भाजपा सरकार ने छोटे किसानों के साथ ही पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा दी है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने एक नया मध्य प्रदेश गढ़ने का प्रयत्न किया है। कांग्रेस के राज में सिंचाई के लिए किसान तरसते थे, आज हमारी सरकार ने सिंचाई में कई गुना बढ़ोतरी की है। जहां गरीबी का अभिशाप भोगने के लिए गरीब मजबूर थे, वहीं आज 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिलकर सिंचाई की व्यवस्था की थी केवल 7,500 हेक्टेयर में, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ आज मध्य प्रदेश में 47,00,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था हमने की है। और फसलों का उत्पादन 100 मीट्रिक टन होता था, आज अनाजों का उत्पादन 700,00,000 मीट्रिक टन पर पहुंचाया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया है, एक नहीं अनेकों उपलब्धियां हमारी है। हम गर्व के साथ कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाया है। मुझे कहते हुए गर्व है कि कांग्रेस के राज में जहां गरीबी का अभिशाप भोगने के लिए गरीब मजबूर थे, 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। ये चमत्कार मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, एक नया मध्य प्रदेश हमने गढ़ने का प्रयत्न किया है, उपलब्धियां अनेक है, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एकात्म मानववाद के प्रेरणाता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संपूर्ण जीवन भारत और भारतीयता के लिए समर्पित रहा। हर नौजवान को काम, हर खेत को पानी का संकल्प, अंत्योदय का विचार हमें उन प्रत्येक कार्यों को करने की नई प्रेरणा प्रदान करता है। केंद्र में आज के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान जो भी कार्य हुए हैं, इसके पीछे भी प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का संकल्प है। हर गरीब के हर नौजवान को काम, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी का यह संकल्प हमें उन सभी कार्यों को करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है जिसकी पहले कोई कल्पना ही नहीं करता था। आप अनुमान करिए, कोई सोचता था कि किसान भी सरकार के एजेंडे के हिस्से बनेंगे, महिलाएं सरकार के विकास के एजेंडे के हिस्से बनेंगे? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा बनेंगे। जाति, मत व मजहब के आधार पर योजनाएं बनती थीं। किसान, महिलाओं और युवाओं को आधार बनाकर भाजपा सरकार में योजनाएं बनी। महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो रहा है, किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है और फसलों को सही मूल्य मिल रहा है, गरीबों को शौचालय की सुविधा और प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है।
यहाँ परिवर्तन होना है, किसानों के साथ वादा खिलाफी की है, यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ जो विकास हो रहा है वह मोदी सरकार के पैसों से हो रहा है, बहुत सारी योजना, चाहे वह सौभाग्य योजना हो, जनधन खाते का मामला हो, चाहे मातृवंदना योजना हो, चाहे यहाँ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया गया हो, यहाँ किसानों का MSP बढ़ाया गया है, 2203 रुपये यहाँ केंद्र की सरकार मोदी सरकार देती है, 600 रुपये मात्र यहाँ भूपेश सरकार देती है, और झूठ बोलने में महारत हासिल किए हुए श्रीमान भूपेश जी लगातार किसानों को ठग रहे हैं, महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है, अपने विधायकों को भी वह सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और यहाँ जिस प्रकार के केंद्र सरकार की योजनाओं से रेल की परियोजनाएँ, सड़क की परियोजनाएँ या अन्य परियोजनाएँ चल रही है, छत्तीसगढ़ में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। तो ये थे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जो छत्तीसगढ़ रायपुर में संवाददाताओं से बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में चालू मानसून के दौरान बाढ़ के कारण किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में तेज बारिश और बाढ़ से 2,40,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र प्रभावित हुआ। इस क्षेत्र में किसानों ने पहले ही धान की रोपाई कर दी थी। उधर मध्य प्रदेश में लगातार वर्षों से सोयाबीन की फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। किसानों को लागत भी नहीं निकल पा रही है। किसानों को अभी तक फसल नुकसानी का कोई मुआवजा व बीमा नहीं मिला है, जिससे किसान बड़े आर्थिक संकट में फंस गए हैं। किसानों ने बताया कि खेत को खाली कराने के लिए वो अगली फसल की तैयारी को लेकर महंगे मजदूर लगाकर सड़ी गली सोयाबीन की फसल को काट रहे हैं। खेतों में अभी भी पानी भरा है। महंगा बीज लाकर हमने सोयाबीन की फसल बोई। पुराने लेन देन करने के साथ ही नया मकान और घर में मांगलिक कार्यों की भी कार्य योजना बना रखी थी, पर सभी योजनाओं पर पानी फिर गया। अब और कर्जा लेना ही पड़ेगा। राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय भंडारण निगम की 61वीं साधारण सभा की बैठक हुई। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निगम ने 2,104.51 करोड़ के टर्नओवर के साथ तकरीबन 160 करोड़ का लाभांश दिया गया। इस विषय पर केंद्रीय भंडारण निगम के अध्यक्ष अशोक के मीणा से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। केंद्रीय भंडारण निगम की 61वीं वार्षिक आम सभा की बैठक का दिल्ली में आयोजन हुआ। इस बैठक के आयोजन के क्या मायने रहे और भविष्य में किस तरह की कार्यनीति रहेगी, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए केंद्रीय भंडारण निगम के अध्यक्ष अशोक के मीणा जी हमारे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले बधाई, 3 साल बाद ये बेहतरीन आयोजन हुआ है, क्या क्या मुख्य एजेंडा रहा? हमारी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग यहाँ पर हुई, जिसमें हमारे जितने अंशदार हैं, खास करके कोऑपरेटिव जो हैं भारत देश में, उसके प्रतिनिधि यहाँ आए। उन्होंने एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। हमने एनुअल रिपोर्ट जो थी उसका एजेंडा था उसको पास किया गया, और उसमें 160 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो डिक्लेयर किया गया। उसी के तहत डिविडेंड जो है 239% बढ़ाकर दिया देने की व्यवस्था जो है उसको भी अनुमोदित किया गया। मैं सभी जितने अंशदारी हैं सभी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहां पार्टिसिपेट करके एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में जो हमारा प्रोग्रेस हो रही है उसको सुना, और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में भारतीय भंडारण निगम जो है देश की उन्नति में और भी अपना योगदान देगा, और आने वाले समय में हमारी जो कैपेसिटी इन्हेंसमेंट है वो कैपेसिटी बढ़ेगी, और जो प्रॉफिट है प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़ेगा। टर्नओवर कितना है CWC का, और गति की रेट हम देखें आपके आने के बाद काफ़ी इसमें प्रगति हुई है, जिस तरह से देख रहे हैं कि आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण उपक्रम के रूप में ये सामने आएगी, तो इसको देखते हुए आगे की क्या स्थिति रहेगी? वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक सेक्टर भारत देश में आने वाले समय में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देश की जिस तरह से प्रोग्रेस हो रही है उस हिसाब से हमने जो अनुमान किया है 11.5% की हिसाब से प्रोग्रेस होगी आने वाले 5 सालों में, और उसी के तहत सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो है वो अपनी रणनीति बना रहा है कि हमको केवल वेयर हाउसिंग ही नहीं
वेयर हाउसिंग के साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे रेलवे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसमें काम करना पड़ेगा। ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उसके लिए काम करना पड़ेगा। कोल्ड स्टोरेज हैं, वो बनाने पड़ेंगे। तो वही कार्यविधि को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खाद्यान्न की बात करें या जो कृषि कमोडिटीज़ है, उनमें भंडारण का बहुत बड़ा रोल है और जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो वेस्ट हो जाती है ट्रांसपोर्ट के दौरान ही। तो आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो सस्ती चीज़ें हैं उनका समय पर उपयोग और उनका भंडारण हो, तो इसको लेकर किस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में आप आगे बढ़े? उसमें दो चीज़ें की जा रही हैं कि एक तो हम अपना जो भंडारण की क्षमता है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा हम उसमें कोल्ड स्टोरेज जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के लिए ज़रूरत होता है, कोल्ड स्टोरेज के लिए भी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन अगर हम जल्दी कर पाएँ, उसको जहाँ पर उत्पादन होता है वहाँ से जहाँ पर कंजम्पशन होता है उस एरिया में अगर ट्रांसपोर्ट कर पाएँ तो हमारी प्रोग्रेस और ज़्यादा होगी। तो ये केंद्रीय भंडारण निगम के चेयरमैन अशोक के मीणा, जिनका मानना कि 61वीं वार्षिक आम सभा की बैठक में एक और जहां साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया, वहीं दूसरी ओर 490.95 करोड़ के पूर्व लाभांश के साथ 160 करोड़ का लाभांश जो भी इससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं उनको देने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया गया। मेरेगी कैमरामैन AK के साथ में OP यादव, DD न्यूज दिल्ली। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष अशोक के मीणा ने यह भी कहा कि निगम किसानों से खाद्यान्न की सीधी खरीद कर उनके खाते में राशि हस्तांतरण पर काम कर रहा है ताकि काम में पारदर्शिता आए। अशोक के मीणा ने DD न्यूज से बात करते हुए कहा कि भंडारण की गति बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्ट पर ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम में हम लोग स्वच्छता लाने के लिए एक तो टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और दूसरा उसके साथ में हमने जो प्रोक्योरमेंट हम करते हैं तो भारत के किसानों से जो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट होता है उनके खाते में सीधा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको MSP बोलते हैं, न्यूनतम प्राइस है, उनके खाते में दिया जाए उसकी व्यवस्था हो चुकी है। और इसको बड़ा ही ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रोक्योरमेंट किया जाता है, किसानों को पैसा उनके बैंक अकाउंट में दिया जाता है। दूसरी चीज़ जो हमने की है कि जहाँ पर हमारा प्रोक्योरमेंट हो रहा है वहाँ से इमीडिएटली हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं जहाँ पर कंजम्पशन होगा उसका, तो उस दिशा में हमने मूवमेंट जो होता है रेलवे के जरिए हो या रोड के जरिए हो वो मूवमेंट की गति है उसको बढ़ाया है और पूरे देश में कोने कोने में ये इंश्योर किया है कि खाद्यान्न सभी लोगों को मिल पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को PM विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। योजना में 18 पारंपरिक कौशल वाले व्यवसायों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने ऐसे पारंपरिक शिल्पकारों को विश्वकर्मा कहा। सबसे अहम कि ऐसे प्रशिक्षित शिल्पियों के रोजगार के लिए 3 लाख रुपए की लोन की सुविधा भी देने की घोषणा हुई है जो बेहद ही किफायती दरों पर उपलब्ध होंगे। योजना के क्या फायदे हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बुलाते हैं हमें मेहनत कशों के हाथों के छाले, चलो मोहताज के मुंह में निवाला रख दिया जाए। 17 सितंबर 2023 प्रधानमंत्री ने ऐसे शिल्पियों को विश्वकर्मा कहा जिनके हुनर का हर कोई मानता है लोहा, लेकिन अब तक इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। ये समाज के आखिरी पायदान के व्यक्ति हैं जो अपने शिल्पकारी से बेजान वस्तुओं में भी जान फूंकते रहे, तराशते रहे, गढ़ते रहे और खुद गुमनामी की जिंदगी में खोए रहे। प्रधानमंत्री ने ऐसे ही 18 पारंपरिक दस्तकारों को एक नया नाम विश्वकर्मा दिया और उनके लिए PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। इन विश्वकर्माओं में लोहार, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, राजमिस्त्री, मछली का जाल बनाने वाले, खिलौने को नया आकार देने वाले, नाई, दर्जी समेत 18 पारंपरिक शिल्पी शामिल हैं। विश्वकर्मा योजना के जरिए ऐसे ही 18 पारंपरिक कौशल वाले व्यवसायों को जोड़ा गया है। उनके लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स देने की घोषणा हुई है। आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपए के टूल किट वाउचर के साथ साथ कुशल प्रशिक्षण देने की घोषणा की गई। साथ ही विश्वकर्मा को प्रशिक्षण के दरमियान रोजाना 500 रुपए का भत्ता देने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री ने किया। ये शिल्पी जो सामान तैयार करेंगे उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग से लेकर बाजार उपलब्ध कराने में भी सरकार मदद करेगी। PM विश्वकर्मा योजना पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सबसे अहम, खुद अपना कारोबार करने वाले विश्वकर्मा को बिना गारंटी के 3 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। ये लोन
पहले चरण में 1 लाख रुपए का होगा। इसे चुका देने के बाद दूसरे चरण में 2 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। ये सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज महज 5% होगा, जिसे विश्वकर्मा आसानी से चुका पाएंगे। योजना का लाभ 30 लाख से अधिक पारंपरिक कारीगर उठा पाएंगे। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी के पानी के मामले पर बहुत दिनों से गतिरोध बना हुआ है। तमिलनाडु कर्नाटक से कावेरी का पानी छोड़ने की मांग कर रहा है, लेकिन तमिलनाडु इससे इनकार कर रहा है। इस संबंध में कर्नाटक से तमिलनाडु के लिए पानी की मांग करते हुए तमिलनाडु के ट्रिची में किसानों की एसोसिएशन ने मानव खोपड़ियों और हड्डियों के साथ प्रदर्शन किया। आपको याद होगा कि हाल ही में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी के पानी के वितरण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि कावेरी जल ट्रिब्यूनल इस मामले को देख रही है और वो इस मामले की माहिर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। गुजरात के किसान भिंडी के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। अगर यहाँ भिंडी में लाल मकड़ी घुन का प्रकोप दिखाई दे तो प्रोपर गाइड का स्प्रे कर लें। साथ ही यहाँ भिंडी में पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए हेक्साकोनोजोल का छिड़काव भी कर लें। गुजरात में परवल और लौकी की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। गुजरात में ही किसान रतालू के खेतों में खरपतवार नियंत्रण के उपाय कर लें। गुजरात में आम के पेड़ों में डाईबैक रोग यानी कवक रोग दिखाई देने पर संक्रमित शाखाओं की छटाई कर लें। अगर संक्रमण अधिक हो तो इस पर बोर्डो पेस्ट लगाएं। गुजरात में टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाई जा सकती है। नर्सरी की जमीन पर किसान उचित जल निकासी व्यवस्था भी कर लें। गुजरात में बाजरा और अरहर में बारिश की संभावना के चलते उर्वरकों के छिड़काव को फिलहाल टाल दें। साथ ही बाजरा और अरहर के खेत को खरपतवार मुक्त रखें। यहां अरहर में झुलसा रोग से बचाव के लिए उचित दवाओं का स्प्रे भी कर लें। महाराष्ट्र के सोलापुर में इस समय मूंग और उड़द की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ इस मौसम में सोयाबीन की हल्की सिंचाई करें। सोलापुर में ही इस समय ज्वार, सूरजमुखी और चने की बुवाई की जा सकती है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में साफ मौसम में मूंग, उड़द और बाजरा की पकी फसल की कटाई जारी रखें। कोल्हापुर में किसान धान के खेतों में जल स्तर 5 से 10 सेंटीमीटर बनाए रखें। कोल्हापुर में मूंगफली में टिक्का और रतुआ रोग दिखाई दे तो किसान हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर लें। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सोयाबीन में पत्ती धब्बा और कवक दिखाई देने पर किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का स्प्रे कर लें। औरंगाबाद में ही हल्दी में प्रकंद मक्खी के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर आज लखनऊ में पुष्पांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र से इतर आर्मेनिया के अपने समकक्ष अरारत मिर्जोयान से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया इस कार्यक्रम की सह मेजबानी कर रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कर्तव्य पथ पर पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई और लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारे परिवहन का भविष्य हरित हाइड्रोजन पर होगा। इस पहल से पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशा मुक्त हरियाणा का संकल्प लेकर चली साइक्लोथॉन को यमुना नगर में हरी झंडी दिखाई। 25 दिन पूरे हरियाणा का चक्कर लगाने के बाद आज करनाल में इस यात्रा का समापन होगा। बिहार की राजधानी पटना में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक दलित महिला द्वारा तय समय पर कर्ज का ब्याज नहीं चुकाए जाने पर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही, अनुमति दें, नमस्कार।